Hallelujah. Hallelujah. Jai Yeshu. Jai Church. Jai Yeshu. Jai Yeshu. आइए हम अपने स्थानों में खड़े होंगे और परमेश्वर की आराधना के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे. लेकिन जब हम वो करते हैं उसके पहले एक कुछ वचनों से हम देखेंगे, वो है भजन संहिता 46 के कुछ जो शुरुआत के जो पद है. साम 46 वर्स 1-3 वहाँ पे ऐसे लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक. इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे. एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है. परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने के नहीं, पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है. आमेन. क्या ये हमारी गवाही है जो पिछले हफ्ते हमने जो जिया, क्या ये हमारी गवाही है कि परमेश्वर हमारे साथ वफादार था? हालेलुया. क्या हम एक जोरदार हालेलुया सुन सकते हैं? हालेलुया. इसी जोश के साथ हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे. तालियों के साथ हम उस परमेश्वर की आराधना करें. विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन. इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर एक पुकार, बेहाली में रखता तू ध्यान, हालातों से तू शक्तिमान. जब तू मिला मिली रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई, संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई. बनकर दुम तदुम तनाना, ओ ओ दुम तदुम तनाना, ओ ओ दुम तदुम तनाना, ओ ओ. परमेश्वर है. क्या कोई है
तेरा कोई है इस जहां में जो हो तुझे सबरा क्या कोई है यहोवा ने यहोशू से कहा जिस प्रकार मैं मूसा के साथ था उसी प्रकार मैं तेरे संग भी रहूंगा। तू अपना हृदय और धैर्य बांधे रख, तू अपना साहस बांधे रख, क्योंकि मैं तुझे हर चुनौतियों से आगे बढ़ाऊंगा। और यही वादा परमेश्वर हमें आज देता है, इसलिए नहीं क्योंकि हम योग्य है, इसलिए क्योंकि वो योग्य है सारी आराधना के लिए। और जब हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये अंगीकार करें कि परमेश्वर तू योग्य है मेरे जीवन में, और प्रभु जी मैं समर्पण करता हूं कि तू अद्भुत कार्य तू मेरे जीवन से करे। क्या ही हमारी प्रार्थना आज के सुबह ये होगी कि परमेश्वर तू मेरे जीवन से कार्य कर, और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। स्वर्ग राज का वारिस बना
योग्यता थी हमारी कि आपके लिए और मेरे लिए और इस संसार के जितने भी लोग हैं उन सब के लिए यीशु मसीह स्वर्ग स्थान से इस धरती पर उतर आया? क्या लायकता थी हमारी? क्या हम लायक थे कि वो वैसा प्रेम वो हमें दिखा पाए? क्या हम ये स्मरण करते हैं कि क्या हमारी सच में कोई योग्यता थी? हम यदि इस समय अपने आप को जांचे तो ऐसी कई जगह पर हम गिरे, हमारे पैर फिसले, लेकिन जैसे भजन संहिता लिखने वाला कहता है, फिर भी उसने मुझे गिरने नहीं दिया। और यही हमारी गवाही है इस दिन कि परमेश्वर ने हमें संभाला है, वो हमारा रक्षक है, वो हमें हरी चराइयों से ले चलता है ताकि हमें कोई भी चीज की घटी ना हो। जीवन का स्वामी
जब हम मृत्यु के रास्ते पर चलते थे, परमेश्वर ने हमें उस रास्ते से खींचकर हमें एक जीवन की ज्योति और उस राह पर बना के रखा है जो अनंत काल का जीवन प्रदान करती है। हमसे ऐसे कोई बात नहीं छुपी है जो परमेश्वर को नहीं पता। सारे राह, सारे रास्ते परमेश्वर के सामने खुले हैं। समय उस परमेश्वर की आराधना को करें। हालेलुया, हालेलुया।
आज की सुबह ये हमारे जीवनों की गवाही है। सुबह हम आपकी आराधना को करते हैं जो एलोहिम अदोनाय यहोवा राफा अलशदाय वो याहवे है प्रभु, जो हमारे संग रहने वाला, हमारे संग चलने वाला परमेश्वर है। और जिस प्रकार बाइबल बताती है तेरे माँ और बाप तुझे त्याग सकते हैं, लेकिन मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी तुझे त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। और जो उस प्रकार उसका वादा है मेरे प्रियो, आज की सुबह उसकी करुणा और भलाई हमारे पीछे पीछे आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज की सुबह ये सच ही है कि हम में से हर एक मृत्यु के रास्ते पर खड़ा था, टूटे हुए दिल को प्रभु हम लिए खड़े थे, लेकिन तू चंगा और चंगाई बनकर इस पृथ्वी पर उतर आया प्रभु, ताकि जो कोई तुझ पर विश्वास करे उसका नाश ना हो लेकिन वो अनंत जीवन को पाए प्रभु। और इसीलिए तो आज की सुबह हम हाथों को उठाकर गा सकते हैं प्रभु, इसीलिए तो आज की सुबह हम ऊंची आवाजों में गा सकते हैं प्रभु कि तू हमारा अल शदाय है, तू हमारा एलोहिम है, तू हमारा यहोवा राफा है। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा प्रभु आप ही को देते हैं, क्योंकि सच में आपके जैसा कौन है प्रभु जो हमारा भला करेगा, जो हमसे ऐसा प्यार किया कि अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा आप ही को देते हैं, यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं। आमेन, आमेन।